सच्चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओ नी यो है गुलिस्तान न्यूज़ और हुआ जावेद राई। जिस तरह जी तुम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात नाल गलबात करता रहा, उन्होंने दावत देता रहा कि वे हमारा स्टूडियो में आवे और अपनी जिंदगी और काम बारे जो ये जानकारी हमारा नाजरीन के नाल साझी करें। इसी सिलसिला ना आगे बताता हूँ, आज हमारे नाल बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है वह पुलिस ना दी और कड़क अफसर रहा है, बड़ा डेकोरेटेड अफसर रहा है और मतलब समाज माँ गुजरा माँ पूरा कबीला माँ इन्हों को बड़ो ना है। इसके नाल नाल बहुत सारी गुजर तंजीमों के नाल भी वाबस्ता हैं, रियासत माँ बहुत सारी गुजर तंजीमों का इसलिए हेड हैं। मेरी मुराद है जनाब सरदार खान साहब। सरदार खान साहब थारो इस्तकबाल है स्टूडियो माँ, पहली दफ़ा थारा जरा दर्शन जरा है तू मारा स्टूडियो तू हो रहे हैं और तम तशरीफ लाए। कुछ अपनी कहानी अपनी जबानी के बचपन किस तरह गुजरे हो और किस तरह नाल जड़ी है जिंदगी की जड़ी है गड्डी जड़ी है रवान दवा रही। बहुत बहुत शुक्रिया थारा स्टूडियो च बुलाण का और मेरे नाल गलबात करन का। मैं बेसिकली कठुआ चक सज्जन एक अद्धा म्युनसिपैलिटी है, अद्धा म्युनसिपैलिटी तो बाहर है कठुआ शहर के बिच ही। अच्छा। सज्जन का नाम पर चक सज्जन है, सज्जन हमारा बुजुर्ग हम उसकी औलाद हैं। अच्छा। पुराना लैंड लॉर्ड है। अच्छा। 47 च शोरश पिया, कुछ लोग हिंदू आ गया कुछ मुसलमान चले गया पाकिस्तान च, मगर अच्छा। मेरा माँ बाप पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा। वो अपना ग्रां च ही नज़दीक ही जंगलोट है उन्होंने हिंदुएं मेरे माँ प्यो नू रखिया और रहा। अच्छा। तो बाद आबाद होया, फिर मेरा बाप ने दूआ अपना भरा फिर मंगवाया पाकिस्तान तो, फिर अपना महला बनाया कबीला बनाया, फिर जमीन है, फिर स्कूल दाखिल कराया ब्रिगेडियर खुदा बख्श का बड़ा आना जाना हाँ। अच्छा अच्छा थारे घर उसने कहा मेरी माँ नू बच्चा स्कूल दाखिल कराओ पढ़ाया। अच्छा। प्राइमरी स्कूल अपना ही ग्रां च कीता, मिडिल स्कूल सेंट्रल स्कूल कठुआ, हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ, बीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। अच्छा। एलएलबी ज्वाइन कीती जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा। इस दौरान जो रहे हो कबड्डी प्लेयर। अच्छा। कुश्ती प्लेयर। अच्छा। एथलीट। अच्छा। एक रेसर जो है ना वो कदे रेसलर नहीं हो सकता। अच्छा रेसर रेसलर नहीं हो सकता। अच्छा। रेसर की लत जड़ी पतलियों में। अच्छा अच्छा। रेसलर की लत मोटियों में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं रेसर भी आहा रेसलर भी आहा। अच्छा अच्छा। मैं कठुआ डिग्री कॉलेज एथलीट भी एथलेटिक्स का भी कैप्टन हाँ ते कबड्डी का भी कैप्टन हाँ। अच्छा। तो अच्छा प्लेयर रहा मेरा उस्ताद हा चैन सिंह। अच्छा। उसने मैंने सिखाई कुश्ती। कुश्ती की ये हुई कि ताकत आने नाल मैं यूं ही अपनी जिंदगी का कैरियर पुलिस शुरू किया। माँ बाप की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पुलिस जो पुलिस में जाना चाहिए। हाँ मेरी भी बचपन तो यो ख्वाहिश थी कि मैं थानेदार ही बनना है। अच्छा। फ्लावर ट्रेनिंग की थी एक साल की, उस तो बाद फिर ऑल इंडिया इंटर स्टेट पुलिस टूर्नामेंट हुई। अच्छा। मैं अच्छी कबड्डी खेली। अच्छा। मेरी कबड्डी देख गया एक डीजीपी हा अश्विनी कुमार साहब बीएसएफ डीजीपी हा, उसने कहा लड़के इधर आओ आप क्या कांस्टेबल हैं जेकेपी में? मैंने कहा नहीं मैं ईएसआई हूँ। कहता आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। आपको मैं इस साल इंस्पेक्टर ले लेता हूँ बीएसएफ में, अगले साल आपको डीएसपी बना दूंगा, आप बीएसएफ ज्वाइन कर लो। मैंने कहा जी मेरा एक ही शौक है थानेदारी करने का, वो मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे आईपीएस भी कराओ मैं तब भी नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा। सो मैं अपनी ज़िंदगी च बहुत ही खुश है कि मैं थानेदारी की थी। अच्छा अच्छा। पुलिस की नौकरी किसी इबादत को घट नहीं है। अच्छा। थारे को थाना च उस लड़की नाना जिसना जना होगा
उस आदमी नाना जिसने अपनी बेटी का जेवर चोरी होएगा ब्याह वास्ते बनाया बनाया हमें जिसका बेटा कतल है भरा कतल है मतलब हर मजलूम आदमी ने थारे को आना है। अच्छा थाना में मैं हर कंप्लेंट नू ए महसूस करके काम किया कि ये जुर्म ये जुल्म ये गुनाह इस आदमी नाल इस कंप्लेंट नाल नहीं होया मेरे नाल होया। अच्छा अच्छा मैं ये समझ के काम किया। अच्छा किड़े साल गया जी पुलिस में? मैं मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1950 है 51। अच्छा पुलिस ज्वाइन की थी मैं 10 अक्टूबर 1975। अच्छा अच्छा रिटायर होया 31 अक्टूबर 2009 2009 में 58 की हुआ। मुख्तलिफ जगह का बीच रहा एसएसपी रिटायर होया? मैं ज्वाइन किया एज एएसआई। अच्छा फ्लोर की थी ट्रेनिंग जी जी सिटी थाना पोस्टिंग हुई। अच्छा पहले बड़ा थोड़ा अजीबो गरीब है कि गुजर भी पुलिस च आ गयो है वो पी कैब लागे स्टार लागे लोगों देखना यार वो लंबड़ है ना नंबरदार दीन मोहम्मद उसका मुंडा पुलिस च अफसर है अफसर कई तो देखनी आना सिर मुंह पर हाथ फेरना। अच्छा अच्छा बरादरी की बुजुर्ग बरादरी जड़ा में था बुजुर्ग आदमी है बुजुर्ग औरतें के यार शुगर मारो मारो भी कोई आया हो किसी आदमी ने कठुआ जाके मेरा फादर ने गल के थारो मुंडो जरूरत को ज्यादा होशियार है। होशियार है अच्छा कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल पकड़ रहा है। अच्छा उन्हें कहा यार आते मेरा पुत्र है सही है मेरे को घट नहीं होना चाहिए ज्यादा ही होना ज्यादा ही होना चाहिए तो वह बड़ा बड़ा मेरा फादसा भी खुश है कि एक मुलजमान कातलों पकड़ना ज पुलिस कामयाबी ना काम अच्छा। करना तो अच्छा रहा मेरा सिलसिला। अच्छा 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 कि एकदम फर्क महसूस करें जी कि जिसले तुमने ज्वाइन किया उस लगी पुलिस में तो जिसले तुमने छोड़े हो या आजकल की जड़ी पुलिस है उसके बीच के फर्क तुम दिखें? एज ऐसा ही इतना अच्छा अच्छा काम किया आज बड़ा बड़ा लीडर है वो जरा यूनिवर्सिटी में पकड़िया। हाँ हाँ शेख अब्दुल्ला साहब बड़ा खुश हाँ एक मैनू एक शमशेर सिंह परियार है हम दोनों उसने अपने ना बैठा के अपने घर डिनर कराया तो शेख साहब चीफ मिनिस्टर आ खुश है उन्होंने डिनर भी कराया फिर एजिटेशन हुई उ किश्तवाड़। अच्छा 81 च तो मैं अच्छा काम किया शेख साहब गया उन्होंने आख्या इसको आउट ऑफ टर्न प्रमोट करो आई वॉज प्रमोटेड। अच्छा अच्छा तुम सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बन गया फिर कश्मीर मिलिटेंसी हुई 89 च। अच्छा तो मैं चंडीगढ़ हाँ मैनू हैलीकॉप्टर च लिया श्रीनगर। अच्छा अच्छा तो काम किया अच्छा काम किया मैडल भी मिले राष्ट्रपति मैडल मिले गैलेंट्री का भी मेरिटोरियस भी जी 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 डिपार्टमेंट आज भी पूरी इज्जत है। अच्छा हाँ आज भी ये जी पुलिस पर है लोग कहें कि भाई मतलब पुलिस को के कम है बुनियादी तौर के ऊपर और लोग का ना किस तरह नाल उसके नाल जुड़ के रहना चाहिए? देखो जी पुलिस एक ऐसा महकमा है जी जी जिस तरह तुमने लाइसेंस बनवा गया तो वैपन अपने घर रखता दैट इज ए वैपन पुलिस इज ए वैपन। अच्छा जुडिशरी का मतलब ये है कि पुलिस जी है सिर्फ जुडिशरी के मुताबिक चले। हाँ हाँ ब्यूरोक्रेट की मर्जी है कि पुलिस मेरे मुताबिक चले। सही है पॉलिटिशियन की मर्जी है कि ये पुलिस मेरे मुताबिक चले। ठीक है समाज की मर्जी है पुलिस मेरे मुताबिक चले किसी भी ब्याह चले जाओ किसी भी फंक्शन चले जाओ लोग सारा बहगा उत्थे ही गल करेंगे थारे नाल कि जी पुलिस पुलिस गंदी है तब नू छोड़ गया क्योंकि तब मेरा दोस्त है ना तब अच्छा पुलिस वाला बाकी सारा ही गंदा सारा ही गंदा है। मैं आख्या ना पुलिस की नौकरी इतनी अच्छी है इतनी काय और नहीं इबादत भी नहीं है हर मुसीबत वाला थारे को लाना जो काम करें तब तो इसका मुकाबला कोई लोगों ने कि किस तरह जानू चाहिए पुलिस के कोल या मतलब कोई जुर्म हो जाए उसने छुपाना नहीं चाहिए उसका नाल जुड़ मतलब थाना नाल जुड़ गया कर काम करना चाहिए पुलिस के नाल जुड़ गया काम करना चाहिए कुछ लोग छुपा लें ना कोई मतलब अगर कोई जुल्म ज्यादती हो जाए उसने छुपा लें काफ़ी मसला है पुलिस जी। पुलिस भी एक बड़ा वसी महकमा है जी जी बड़ा जरूरी महकमा है लोगों ने मैं यो आखूँगा भी जो जुर्म होया अच्छा जो तकलीफ हुई सीधा थाने जा गया सच्ची गल स्टोरी सुना लो वो थाना वाला उसनू